स्टोरी तो बड़ी ही दर्दनाक थी, मत पूछो, बहुत टाइम लगा. इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 9 ईयर्स टू मी, फॉर मी इन बॉम्बे. और काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा है. रियलिटी शोज़ किए, स्प्लिट्सविला किया, दूसरे रियलिटी शोज़ किए, बट एवरीबडी न्यू कि सिंगिंग करियर ही परस्यू करना था मुझे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद बी प्रैक, ही टोल्ड मी यू आर मच मोर देन अ लाइव सिंगर, एंड यू आर अ लाइव सिंगर, वही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है. तो धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, शोज़ करना स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंस आया प्लेबैक के लिए. फिर मैं मिली संजीव भाई से. उनके पास मैं गई, भाई से बोला मैंने कि कुछ करते हैं, कुछ दीजिए प्लीज़, आपकी ज़रूरत है मुझे. एंड संजीव जी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा. लिरिक्स तो आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत ही खूबसूरत लिखावट है, हुक लाइन ही इतनी सुंदर है. और इस गाने की सुंदरता ही सबसे पहले लिरिक्स है, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द वार है. किसी ने किसी का दिल तोड़ा हो तो उस पर वार है, कड़क वार. तुमने दगा दी मुझको, तुमको दगा मिलेगी, दिल तोड़ने के देखना, एक दिन सजा मिलेगी. दिस इज लाइक सो डायरेक्ट, सो स्ट्रेट. संजीव भाई, क्या कहते हैं हम, बहुत सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. इट वॉज अ कोलैबोरेशन, ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द सॉन्ग. इन्हीं के वजह से पॉसिबल हुआ है. लिरिक्स नहीं होती तो म्यूजिक कैसे होता, सिंगर कैसे आती. तो आई थिंक सबसे पहला काम राइटर का होता है, कंपोजर का होता है. एंड इन्होंने जो काम किया है वो तो दुनिया देख ही रही है. ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हैं संजीव भाई, अब आप बोल दीजिए कुछ. आप सबने गाना सुना होगा, गाने के लिरिक्स कुछ जैसा जस्टिफाई सिंगर करता है, तो रितु ने वैसा जस्टिफाई किया. हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे रितु और हम लोग, तो इसकी आवाज़ में ना स्पार्क था. आप इतने सारे नए सिंगर्स को सुनते हैं, तो ये एक ऐसा दौर है म्यूज़िक इंडस्ट्री में कि जिसमें भी पोटेंशियल है उसके लिए ब्रेक है आज के टाइम में. एंड मेरा पर्सनल मानना है एज ए कंपोज़र, एज ए राइटर, कि रितु जैसे एक हज़ार में से एक वॉइस होती है ना, कि हज़ार में से एक चमकने वाली वॉइस, तो ये वॉइस मुझे वो लगी. एंड जिस एनर्जी से गाना हमने बनाया, इसने जस्टिफाइड किया ऐसा. हालांकि शी इज़ वेरी हैप्पी विद मयंक, पर इसने सैडनेस वॉइस में बहुत कमाल की दिखाई है. थैंक यू सो मच. वो तो सिंगर का काम ही होता है, जैसे डांसर्स अपने फेस से, अपनी कला से अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, अपना दर्द, अपनी खुशी, वैसे ही सिंगर का भी काम होता है. जो भी वो गाए, चाहे वो चार शब्द हो, चाहे वो चार लाइनें हो, जो शब्द कहते हैं उन शब्दों का अर्थ हमारी आवाज़ में सुनाई देना चाहिए. एंड सिंगिंग के साथ जैसा आपने एक्टिंग देखी होगी ना रितु की, तो मतलब सिंगर तो ये बहुत अच्छी है, बट पर्सनली मेरा मानना है ये ना बॉर्न एक्ट्रेस है एक्चुअली. अगर बात भी कर रही है तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक्टिंग या एक्सप्रेशंस ना भगवान ने इसके खून में दिया है, कि थैंक यू सो मच. तो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है सी. मुझे आई होप, ऐसा मुझे सब बोलते हैं, बट आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर मोर टू माय एक्टिंग. बाकी मौका मिला तो बिल्कुल, बट हाँ मेन फोकस मेरा अभी सिंगिंग है, क्योंकि बहुत साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है. मुझे पता है जब मैं भोपाल से आई थी यहाँ पर, तो वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, बहुत बेसिक लोग, सिर्फ मेरे भाई और कजिन्स गुंडे हैं, पॉलिटिशियंस है, नॉट गुंडे बैड वर्ड, पॉलिटिशियंस है. और उन्होंने मुझे गुंडों की तरह ही एक्चुअली बड़ा किया है, सिखाया है कि अपनी चीज़ों पे फाइट ज़रूर करो, अननेसेसरी फाइट मत करो, अननेसेसरी पावर मत दिखाओ, अननेसेसरी अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करिए. और जब आपको लगे कि इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त नेसेसरी है, तभी आप बताइए कि आप क्या हैं और कहाँ से आते हैं और क्या आपका बैकग्राउंड है. तो एक चीज़ मुझे उन्होंने सिखाई थी, और बॉम्बे की जो मेरी लाइफ रही है उसमें ऑफकोर्स सब स्ट्रगल करते हैं, सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल के बिना मुझे नहीं लगता सक्सेस हमें मिल सकती है. तो मेरा स्ट्रगल बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी सेटल्ड बैकग्राउंड, जहाँ पे मैं ऑलरेडी सोशल वर्क कर रही थी. आई वाज इन कांग्रेस, मैं 18 साल की उम्र में ही महामंत्री की पोस्ट पे थी. एंड आई वाज डूइंग पॉलिटिक्स, आई वाज डूइंग सोशल, आई हैड माय सोशल लाइफ. मेरा एनजीओ था 50 साल पुराना, एंड इट वाज ऑल फीमेल ओरिएंटेड एनजीओ. सो आई वाज द प्रेसिडेंट, मेरी अपनी टीम थी. जब व्हेन हमारी फैमिली ने इलेक्शन लड़ा था,
ऑपोजिशन के साथ, बीजेपी के साथ, तो आई गॉट दी ऑफर्स फ्रॉम भोपाल होम मिनिस्टर ऑल्सो कि आप हमें ज्वाइन कीजिए. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स एज आई एम एन एम्पैथ. मुझे लोगों के दर्द को महसूस करके उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है. और आई थिंक मेरा बॉर्न ही शायद, मैं जब बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, जिस टाइप की परवरिश मुझे मिली है, जिस टाइप की चीज़ें मुझे मिली, आई एम ब्लेस्ड. क्योंकि आई एम वेरी स्पिरिचुअल. आई एम नॉट रिलीजियस. मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती. मेरे बॉडी पे 17 टैटूज है जिसमें काफ़ी सारे भगवान हैं, डिफरेंट डिफरेंट. तो मैं बहुत सारे भगवानों को नहीं मानती. मैं सभी भगवानों को मानती हूँ, बट आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल. आई थिंक एक इंसान का अच्छा होना ही काफ़ी है, यू नो, आफ्टर लाइफ हेवन में पहुंचने के लिए. मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ यहाँ और वहाँ दोनों जगह अच्छा हो, तो आई थिंक इंसान का अच्छा होना काफ़ी है, अच्छे डीड्स काफ़ी है. ज़रूरी नहीं है हम लोगों को कर करके दिखाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं. आई थिंक ज़रूरी वो है कि आपकी नियत क्या है, आपके इंटेंशंस क्या होता है जब आप किसी से मिलते हैं, आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप जिस तरीके से करते हैं. तो मुझे लगता है कि मुझे, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, शिव जी की भक्त हूँ और महादेव हैज़ ऑलवेज ब्लेस्ड मी. ये मुझे मिले, प्रैट मुझे मिले, मयंक इज़ विथ मी. मयंक इज़ अ ह्यूज ह्यूज सपोर्ट इन द सॉन्ग. ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट द वीडियो. थोड़े से पहले हम मयंक से बात करेंगे क्योंकि मैं तो बहुत बोलती हूँ. मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जैसे मैंने दो हुनर इसके बताए थे, आप लोग पत्रकार हैं तो आप समझिए उसको चार हुनर हैं. मैं गलती से दो पहचानने पाया. पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छी है एंड इस थोड़े टाइम के बाद में स्पिरिचुअल स्पीच भी बहुत अच्छी थी. बिल्कुल बिल्कुल, 100%. थैंक यू भाई. तो फोर हुनर. थैंक यू. नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं. पेंटर है, कुक हूँ मैं बहुत अच्छी, और आर्ट तो कूट कूट के भरा है क्योंकि वो ब्लड में. मम्मी पापा दोनों ही बहुत सुपर आर्टिस्ट है. रंगोली, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मतलब एवरीथिंग. ऐसे मत बोल, पत्रकार लोग तो बोले मम्मी पापा अच्छे आर्टिस्ट है, सब कहेंगे हाँ आर्टिस्ट दिखी.